नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आज जब देश में धर्म, मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों पे लड़ाई हो रही है, इन सब बातों पे लड़ाई हो रही है, ऐसे में अगर कोई सड़क पर एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, उस समय ये नहीं देखा जाता कि उसका धर्म क्या है, समुदाय क्या है। उस समय सबसे पहले उसको इलाज की ज़रूरत होती है, उसे इलाज मिले, ये सबकी प्रायोरिटीज होती है। नाम तो केवल इसलिए पूछा जाता है ताकि उसके घर पे इन्फॉर्म किया जा सके। आज ऐसी एक घटना हुई श्री मल्लू सिंह आर्य इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल नीरा तोमर जी के साथ। वो नोएडा से मेरठ लौट रही थी और उनकी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल होकर गिर चुके युवक उनकी आंखों के सामने आते हैं। वहाँ भीड़ जमा है लेकिन कोई उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। नीरा जी ने अपनी गाड़ी रोकी और उन्होंने उसको, उन दोनों युवकों को वो हॉस्पिटल लेके जाती हैं। नीरा जी मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, नीरा जी हैं मेरे साथ। नीरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जी नमस्कार जी। मैंने आज आपको फेसबुक पे देखा, मैंने आपने जो अपना लाइव अपडेट डाला हुआ था उससे मुझे पता चला कि आपने उन दो युवकों को हॉस्पिटल में पहुंचाया। बहुत सारी बातें होती हैं जब हम ऐसे एक्सीडेंटल केसेस में देखते हैं कि पुलिस सवाल करेगी, और कई बार ये भी हम सोचते हैं कि हम तो बहुत जल्दी में हम निकल जाएं देख करके। आपने उन युवकों को जब सड़क पे देखा तो आपको, आप क्या सोच के रुकी वहाँ? मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी आपने कहा कि हम घायलों को एडमिट कराने से इसलिए डरते हैं कि पुलिस हमें क्वेश्चन करेगी, या खुदा ना खास्ता जिसको हम गाड़ी में लेके जा रहे हैं उसकी डेथ ना हो जाए। हम किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, ये मानव की एक ऐसी सोच हो गई है। जबकि मैं सबको यहाँ से बताना चाहूँगी कि अब हमारे उसमें संविधान में परिवहन मंत्रालय ने भी ये बना दिया है कि आप किसी भी जो घायल वो एडमिट कराएगा उससे पुलिस कोई भी पूछताछ नहीं करेगी, और अगर आप अपना व्यक्तिगत ब्यौरा नहीं बताना चाहते तो पुलिस आपको बाध्य भी नहीं करेगी। साथ ही आपको कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक भी रोका भी नहीं जाएगा। आप एडमिट कराकर आप तुरंत जा सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि भाग दौड़, देखिए आप कहीं भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप जीवन जीने के लिए या उसी के लिए जा रहे हैं, और किसी का जीवन आपकी आंखों के सामने समाप्त हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो भागदौड़, वो जीना बेकार है। मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगी कि मैंने संकल्प लिया हुआ है कि अगर मेरी आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घायल मिलता है, या तो उसको एम्बुलेंस लेके जाएगी या उसको मैं लेके जाऊंगी, उस घायल को मैं क्रॉस नहीं करूंगी। ये मेरा अपना जीवन का संकल्प है और मैंने अब से पहले भी काफी लोगों को एडमिट कराया है। मैं दर्शकों को वो एक क्लिपिंग भी दिखाना चाहूंगी जहां आप हॉस्पिटल में हैं और आप उनके साथ खड़ी हुई हैं। लड़का काफी बुरी हालत में है, आप देख सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से नीरा जी ने काफी जोखिम लेकर के इन युवकों को हॉस्पिटल पहुंचाया और बाकायदा डॉक्टरों को इंस्ट्रक्शन दिया कि इनको आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल उनके साथ ही हैं, और उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म किया, डॉक्टर्स को भी कहा कि इनको फौरन इनको जो है चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, इनको जो मेडिकल एड देनी है उसी समय इनको दी जाए, ये पूरे समय उनके साथ रहे। ये सच में नीरा जी को मैं सैल्यूट करती हूँ, उन्होंने अपने सारे जो व्यस्तता भरे काम थे उनको छोड़ के और इन्होंने उन बच्चों को, उन युवकों को हॉस्पिटल पहुँचाया। दर्शकों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आज नीरा जी के बेटे का जन्मदिन है और इन्होंने इस काम को करने के बाद मुझे बताया कि मैं नीरा जी से ही सुनना चाहूँगी कि उन्होंने क्या फील किया। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे आज बेटे का जन्मदिन है और जब मैंने देखा कि वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको,
मैंने पूछा कि भाई ये आप इसको एडमिट क्यों नहीं करा रहे। उन्होंने कहा जी एम्बुलेंस नहीं आई है अभी। मैंने कहा कि आप इसको मेरी गाड़ी में आप करवा दीजिए, इन दोनों को, दो लड़के थे वो, और मैं इनको ले जाऊंगी। मेरे मन में मतलब विचार तनिक भी ये नहीं आया कि मेरे बेटे का जन्म नहीं, बल्कि मुझे लगा कि किसी माँ के दो बेटे बच जाएं और वो माँ जो दुआ देगी, तो मुझे लग रहा उससे ज़्यादा दुआ मेरे बच्चे को मंदिर या मस्जिद कहीं जाने से, अगर मैं जाती तो उससे ज़्यादा दुआ मुझे लग रहा कहीं से नहीं मिल पाती। मेरे बेटे को इसका जन्मदिन इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता कि मैं किसी माँ के दो बच्चे मेरे उससे बच पाए। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि लोगों को एक डर लगता है, लेकिन हमारे जो देश में है 1.5 लाख लोग प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। पूरे विश्व में करीबन 25 लाख के करीब लोग इसी तरह सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। अगर उनको एक गोल्डन आवर होता है, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उन्हें मेडिकल सुविधाएं मिल जाए, तो ये आंकड़ा बहुत कम हो सकता है। और ये आंकड़ा तभी होगा जब लोगों में जागरूकता हो, एक भय लोगों के दिमाग से निकल जाए कि हमें हॉस्पिटल में रोका जाएगा, हमसे पुलिस पूछताछ करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि आपको ये भी मैं बताना चाहूँ कि इस तरह अगर लोग घायलों की हेल्प करते हैं तो उनको गुड सैमिटन के रूप में गवर्नमेंट सम्मानित भी करती है। मुझे भी एक बार ये सम्मान मिल चुका है मेरठ जिले में गुड सैमिटन का। तो हम लोगों को लोगों की जान बचानी चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि जाति धर्म से ऊपर जब हम कोई घायल होता है तो हम ये नहीं देखते किस जाति का किस धर्म का है। क्या हम जब ब्लड लेते हैं तो हम ये थोड़े देखते हैं किस धर्म का है। हमारा उद्देश्य तो केवल ये होता है कि इसकी किसी तरह जान बच जाए। और उन लोगों ने जो मुझे दुआएं दी, मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनके 66,000 रुपये भी थे उनके पास जी, जी। वो भी उनको सुरक्षित उनको दे दिए गए हैं। उनके पेरेंट्स आए, उनको सौंप दिए गए हैं, हॉस्पिटल वालों ने सौंप दिए। और हॉस्पिटल ने भी अच्छा सहयोग किया, क्योंकि अब हॉस्पिटल वालों को भी पता है कि घायल को एडमिट करना अनिवार्य है और आप किसी से भी क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। पुलिस को उससे व्यक्ति का, अगर घायल का नंबर भी नहीं, उनका नंबर भी जो एडमिट कराएगा उसका नंबर भी पुलिस वाले नहीं मांग सकते हैं। इतना गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन है, सुविधा है इतनी, तो हमारा कानून भी कहीं भी जो घायल है, घायल की मदद करने वाला है, उसको कहीं भी कोई भी परेशान नहीं करता। बस केवल लोगों में एक जागरूकता की कमी है, इसलिए लोग डर जाते हैं और थोड़ा सा सोचते हैं हमें क्या। हो सकता है कल हमारा कोई निजी व्यक्ति ऐसी सड़क दुर्घटना में इलाज न मिलने के कारण तड़प कर मर जाए, तो आप उसकी जगह अपने आप को खड़ा होकर देखें और घायल की मदद अवश्य करें। अक्सर अक्सर हम ये देखते हैं, सुनते हैं, कई बार खबरों में सुर्खियां भी बनती हैं कि अमुक व्यक्ति को अगर समय से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो वो बच सकता था। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जो घायल होता है उसका अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि हम शो शुरू होने से पहले बात कर रही थी, एक गोल्डन आवर होता है। मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ कि आप थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं, ताकि कोई भी इंसान जो सड़क से गुजर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि अगर उनके आंखों के सामने कोई इस तरीके का एक्सीडेंट होता है तो वो आगे आकर के उस घायल की मदद करें। जी बिल्कुल, अभी मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि गोल्डन आवर, यानी अगर उस घायल को 1 घंटे के अंदर अंदर सुविधा मिल जाए तो उसकी जान बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अधिकतर जो लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं वो इसीलिए मारे जाते हैं कि वो समय रहते हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा पाते, उन्हें फर्स्ट एड नहीं मिल पाती, उनका उपचार नहीं हो पाता। तो हमारा ये जो प्रयास है ये लोगों की जान को बचा सकता है। और यही जो आपने कहा गोल्डन आवर, बस समय ये कोशिश करनी है कि हमें अपने सबसे नज़दीक के हॉस्पिटल में उसको पहुंचाना है। हमें ये नहीं कि ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचाना कि जहां सारी सुविधा हो, हमें प्रयास करना है कि जो सबसे नियर हॉस्पिटल है उसमें उसमें फर्स्ट एड मिल जाए, उसका उपचार हो जाए, वहां से फिर वो एम्बुलेंस से किसी माध्यम से अगर ज़्यादा उसको चोट लगी है तो उसको हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट भेजा जा सकता है। कोशिश कीजिए कि आपके, जैसे मैंने इसको एडमिट कराया, मैंने गूगल से सर्च मारा कि सबसे ज़्यादा नज़दीक मुझे पल्स
जो हॉस्पिटल दिखाई दिया मैं वहां पे उसको लेके गई। वो लड़का कह रहा था कि आंटी मेरी टांग बच जाएगी क्या, शायद उसकी टांग में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर है। मैंने कहा बेटा घबरा मत, तुम बच जाओगे, तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। जी जी मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि वो जो बच्चे हैं जो घायल पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लिए बराबर नीरा जी से संपर्क कर रहे हैं वो लोग, और बहुत सारे लोग इन्हें उसके लिए थैंक्स कर रहे हैं और इनको अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं कि उन्होंने उन बच्चों की एक तरह से जान बचाई है। एक बच्चा तो उसमें बहुत ही घायल था, बहुत ज़्यादा उसका ब्लीडिंग हो रहा था, और नीरा जी ने उसको अपनी गाड़ी में वो ले गई और हॉस्पिटल में उनको बाद में मैंने देखा कि इनकी गाड़ी में भी काफ़ी ब्लड लगा हुआ है। और बहुत सारे लोग तो इतनी छोटी सी बात को भी बहुत इस तरीके से देखते हैं कि नहीं गाड़ी में ले जाएंगे तो गाड़ी गंदी हो जाएगी, लेकिन नीरा जी ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है दूसरे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, कि इन्होंने उन जो घायल बच्चे थे उनको ये हॉस्पिटल लेके गई, इनके ड्राइवर ने भी इनकी बड़ी हेल्प की। और नीरा जी मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, आप उन जो बेपरवाह लोग निकल जाते हैं जिनके सामने लोग घायल अवस्था में पड़े रहते हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज दीजिए, क्योंकि मतलब घटना हो रही है देश में, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ से लोगों से अपील करना चाहूंगी कि हम इंसान हैं और इंसान और जानवर में यही फर्क है कि हमें सोचने की क्षमता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई कौवा या कोई जानवर घायल हो जाता है तो उसके जो ग्रुप के लोग हैं झुंड के झुंड वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, प्रयास करते हैं कि उसको किसी तरह बचा लिया जाए। तो हम तो इंसान हैं और इंसान के पास भगवान ने बुद्धि दी है, अगर हम किसी की जान बचाने में कामयाब हो पाए तो मुझे लगता है इंसानियत का। जी आप अगर आपकी आंखों के सामने कोई घायल पड़ा है जी, तो जी। आप उसकी हेल्प अवश्य करें। ये आप मुझे लग रहा है अगर तीर्थ यात्रा या आप हज को या गुरुद्वारा या आप कहीं भी जाएंगे, मुझे लग रहा है अल्लाह भगवान और ईसा मसीह उससे ज्यादा खुश होंगे आप किसी, क्योंकि कण कण में भगवान है, कण कण में अल्लाह है, कण कण में ईसा मसीह है। इंसान किसकी कृति है? भगवान की कृति है। तो अगर हम किसी इंसान को बचाते हैं तो इसका मतलब हम भगवान की संतान को बचा रहे हैं। दूसरे में एक मैसेज और यहाँ से देना चाहूंगी कि जो एक्सीडेंट होते हैं ये कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उसकी लापरवाही से होते हैं। जैसे बच्चे हैं, अगर ये हेलमेट पहने होते, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन भी करना चाहिए। अच्छा, ये जो बच्चे घायल हुए हैं ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम है इनका? ये बच्चे मैंने जब पूछा है बुलंदशहर सायना जिले वहाँ के रहने वाले थे, और एक का नाम अकरम है और एक का नाम इरशाद है। ये फल विक्रेता है, ये मंडी से फल लेने जा रहे थे, उसी का इनके पास जो इतना पैसा था वो उसी का था। जब अभी उन्होंने बताया कि हम तो लोग फल लेने जा रहे थे, तो मैं यहाँ से जो बात कह रही हूँ आपको कि सीट बेल्ट जरूर बांधे, हेलमेट का प्रयोग करें, जिस रोड पर टू व्हीलर चलाने की अनुमति नहीं है दो पहिया वाहन उस पर मत जाएं। जैसे बच्चे उस पर थे मेरठ एक्सप्रेस वे हाईवे पर, तो जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जान पर बनाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें और अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें। आपकी बात से मुझे ध्यान आया, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक ब्लॉग लिखा था, क्योंकि उनके माँ का 100वां जन्मदिन था। उसमें उन्होंने एक जिक्र किया कि उनका एक बचपन का दोस्त था अब्बास अली, जो एक साल तक उनके साथ रहा। इस पर सोशल मीडिया ने काफ़ी ये जो उनका ब्लॉग है, ये जो उनकी लाइंस है कि उसका नाम अब्बास अली था और वो उनके घर में रहा, तो उन्होंने इस पर काफ़ी इस समय सोशल मीडिया पे बात हो रही है। ये बात इसीलिए हो रही है क्योंकि
वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एंड जो अब्बास अली है वो मोहम्मदन है। ज्यादातर ये सुना जाता है कि प्रधानमंत्री जो है मुस्लिम विरोधी है, कोई भी कुछ भी कह देता है। और आपने ये जो आज इतना अच्छा काम किया है, आपको उस समय तक ये पता नहीं होगा ना कि इनके क्या नाम है, फिर भी आपने जो है उनकी मदद की। तो ये किसने सही करा है कि कहा है कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हम किसी धर्म समुदाय से जुड़ते हैं। देखिए, कोई भी धर्म है, आप कोई भी धर्म की अगर किताब, वास्तव में जो लोग ये धर्म पे लड़ रहे हैं ना, उन्होंने धर्म को पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने धर्म की पुस्तकों को पढ़ा ही नहीं है। वो तो जैसे कहे ना, ऊपर ऊपर से लड़ रहे हैं। वो तो उस तरह उनका हाल है जो पानी का गुब्बारा जो होता है कि ऊपर ऊपर तैर रहा है, पानी के अंदर नहीं जा रहा। अगर कोई भी धार्मिक पुस्तक को आप पढ़ेंगे, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इंसान इंसान के काम ना आए। जी जैसे आपने प्रधानमंत्री जी की बात कही है, मैं आपको यहाँ से बता दूँ, मेरे एक भाईजान हैं डॉक्टर जाग हुसैन जी, मैं उनके यहाँ हर तीज त्योहार पे जाती हूँ। वो मेरे यहाँ, मेरी बेटी की अभी शादी हुई, उसमें उन्होंने मेरे भात लेकर आई है। तो हमें इस सोच से ऊपर उठना होगा। और मुझे लग रहा है समाज में इतना कहीं जातिवाद और धर्मवाद फैला भी नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, बस हमें इनकी बातों पर विराम लगाना है। हमें ये सोचना है कि हमें क्या, नहीं हमें ही है, क्योंकि आज अगर मैं नहीं बोलूंगी तो कल मेरी बारी है। तो हमें इसके विरुद्ध बोलना है, और हमें झूठ मूठ किसी की हाँ नहीं करनी है। हम लोग थोड़ा सा ना दूसरे को खुश करने के लिए चुप रह जाते हैं। अगर कहीं धर्म की, जाति की कोई इस तरह का अवेयरनेस से समाज में फैला रहा है, तो हम लोगों को उसके विरुद्ध खड़े होकर बोलना पड़ेगा। नीरा जी, आप मेरे स्टूडियो में मेरे साथ आपने बातचीत की, शो में हिस्सा लिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों की ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया। इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपने जो बातें की हैं, जो लोग देख रहे हैं वो उसको ज़रूर फॉलो करेंगे, ट्रैफिक नियमों का भी पालन करेंगे। और अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है आंखों के सामने, तो उस समय भी वो उस घायल की मदद करेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार।